नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। लॉकडाउन के बारे में हम आपको हर दिन की खबर दे रहे हैं, हर दिन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं, वहां की स्थिति को दिखा रहे हैं। आज हम तीसरे दिन स्थिति को, लॉकडाउन को देखते देखते आ पहुँचे हैं लभेत गाँव में, जहाँ पर ग्रामीणों ने पूरे गाँव को ही लॉकडाउन कर रखा है। गांव के रास्ते पर बैरियर बांस लगाकर रास्ता को लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है। कोई भी लोग गांव के अंदर, बाहरी लोग जा नहीं सकते हैं। गांव के अंदर की स्थिति यह है कि वहां पर हर घर में दरवाज़ा करीब करीब लगा है, कोई बाहर नहीं दिख रहा है। यहां पर 8-10 युवक गांव के वो हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए दूरी बनाकर वहाँ यहाँ पर अपना खड़े हैं और देख रहे हैं कि कोई हटा करके यहाँ से इस बैरियर को पार गांव में नहीं जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपको यह भी बता दें कि इमरजेंसी सेवा को प्रक्रिया से दूर रखा गया है। अभी आपको दिखा दें कि ये गैस की गाड़ी, गैस लिए गाड़ी जमुई से यहाँ पर आई है। जमुई से ये लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है, 15 किलोमीटर तो ज़रूर पड़ता होगा दूर, और ये गाड़ी यहाँ पर आई है। तो इसके लिए इसको छूट है, इमरजेंसी सेवा के लिए लोग खड़े होकर इस गाड़ी को गांव में ले जाएंगे और दूर से ही घर घर इस गैस को पहुँचवाएँगे। तो स्थिति ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग अब फॉलो करने लगे हैं, लोग गंभीरता को समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी, यहाँ पर ये लड़के हटा रहे हैं इसको, ये गाड़ी चली जाए, इमरजेंसी सेवा है ये, और इस पर छूट भी दी गई है। गांव के कुछ युवक, हम उनसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए दूर से ही बात करना चाहेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? ब्रजेश कुमार सिंह, दूर से। और ये क्या, ये क्या हो रहा है, क्या किए हैं ये? ये जो प्रधानमंत्री का लॉकडाउन है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, और लभीत के जो युवक हैं वो पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन किए हुए हैं, और जो अनिवार्य सेवा है गैस का या किराना दुकान उसको हम लोग जाने दे रहे हैं। हालांकि इसको झेलने में कुछ परेशानियां हो रही है, इसके बावजूद हम लोग सक्रिय हैं और सभी युवा सक्रिय हैं, और इससे 5-6-7 गाँव का रास्ता जो है रुका हुआ है, लेकिन अनिवार्य लोगों को हम लोग जाने दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कब से हो रहा है, कब से किए हैं इसको? ये कल अर्ली मॉर्निंग से है। कल अर्ली मॉर्निंग से, कल से लगातार इसका 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, गांव वाले इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? पूरा गांव देखिए लॉकडाउन है, सब लोग अपने अपने घरों में हैं, 4-5 युवक हैं यहां पे जो कंटिन्यू रहते हैं, और इस ढंग से लोग देख रहे हैं गांव को। ठीक, धन्यवाद।